नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपके समक्ष एक नया हॉर्टिकल्चर का चैप्टर लाया हूं, जहां पर हम इस कृषि ज्ञान चैनल पर कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन इज, इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सिस्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, पॉलीप्लॉयडी कैन बी ऑप्टेंड बाय, पॉलीप्लॉयडी किसके द्वारा ऑप्टेंड किया जाता है, ये जो है इसका सही जवाब है ये है कॉलचीन इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ग्लैडियोलस, अंडरग्राउंड पार्ट ग्लैडियोलस का क्या है, इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है कॉर्न इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, द नंबर ऑफ सिंगल क्रॉसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम फोर इनब्रेड इज विदाउट रिसिप्रोकल क्रॉस, इसका जवाब है दोस्तों ये सिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यहाँ पर कैंकर का लीफ माइनर, ग्रीन का सिट्रस साइला, कोकोनट रूट, विग का लेसबग, बंजी टॉप वाइट फ्लाई, मतलब ये वाइट फ्लाई ना होगी एफिड होना चाहिए, मतलब ये सही नहीं है, ये डी आंसर रहेगा। स्ट्रिपिंग इज डन इन, इसका ऑयल पाम होना चाहिए, इसका ऑयल पाम है दोस्तों। मेंडल्स लॉ वेयर डिस्कवर्ड बाय, मेंडल्स लॉ किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, इसका दोस्तों ये 1900 में डिस्कवर किया गया, और ये कॉरेंस, डिवेरिस और टेस्मार्क तीनों के द्वारा डिस्कवर किया गया था एक साथ, ये ऑल ऑफ द अबव होगा। स्प्राउटिंग इन ओनियन कैन बी कंट्रोल बाय, स्प्राउटिंग जो है ओनियन में किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये तो ये है MS 2000 PPM इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ऑयल प्रेजेंट इन रोज आर डेमस्केना इज, जो इसका है सही जवाब है 0.05% होगा। जावा प्लम शो पर्थेनोकार्पी, किस टाइप का पर्थेनोकार्पी जावा प्लम शो करता है, ये है न्यूसेलर पर्थेनोकार्पी शो करता है, जैसे बनाना में वेजिटेटिव पर्थेनोकार्पी शो करता है, वैसे जावोप्लम में न्यूसेलर पर्थेनोकार्पी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, टर्म हेट्रोसिस वॉज कॉइन बाय, टर्म हेट्रोसिस किसके द्वारा टर्म कॉइन किया गया, जो है ये सल, इसका सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हार्मोफ्रोडाइट कल्टीवर ऑफ रिच गार्ड इज, हार्मोफ्रोडाइट कल्टीवर रिच गार्ड की कौन सी है, इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सतपुतिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कैरेट बिलोंग्स टू द फैमिली, कैरेट किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है एम्बलीफेरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ओनियन इज क्रॉस पोलिनेटेड बिकॉज ऑफ, ओनियन जो है क्रॉस पोलिनेटेड है किस लिए, क्योंकि ये प्रोटेंड्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मैक्सिमम एरिया अंडर फ्लोरिकल्चर, मैक्सिमम एरिया जो है अंडर फ्लोरिकल्चर इज इन कहाँ है, इसका जवाब है सही जवाब है दोस्तों वो है कर्नाटका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ब्रायंट पार्क इज सिचुएटेड, ब्रायंट पार्क कहाँ सिचुएटेड है, ये जो सही जवाब है इसका दोस्तों खुदाई कनाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बुक ब्यूटीफुल गार्डन इज रिटन बाय, बुक ब्यूटीफुल गार्डन किसके द्वारा रिटन की गई थी, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा MS रंधावा इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और साथ में ही सब्सक्राइब भी दबा रखें, ताकि नए से नए वीडियो आपके पास अपडेट हो जब तो मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।